the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. भारत क्रिकेट फैंस को तो इस मुकाबले का इंतजार काफी दिनों से था। 455 दिनों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा, यानी कि लास्ट मैच जो खेला था चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला, उससे 455 दिनों के बाद भारत और पाकिस्तान टकराएंगे एशिया कप में। 19 सितंबर को मुकाबला होगा और सारे फैंस इस मुकाबले के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट बनिंदर सिंह, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो पाकिस्तान से जब मुकाबला होता है तो वो मुकाबला नहीं होता है, वो जंग होती है, और पाकिस्तान से हिसाब बराबर नहीं किया जाता, ये रिवेंज होता है। और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में जिस तरीके से टीम इंडिया को हार मिली थी, उससे हिंदुस्तान यही कह रहा है कि इस बार तो पाकिस्तान से बदला लेंगे, और वो बदला लेने का वक्त आएगा एशिया कप में। 19 सितंबर को मुकाबला होगा भारत पाकिस्तान का। फैंस के दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी, मोस्ट अवेटेड मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप। बिल्कुल, और 455 दिन के बाद ये मैच होने वाला है। पिछली बार जब दोनों के बीच में मैच हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी की, आपने बात की, जिक्र किया, वहाँ पर इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था और बहुत बड़ी हार थी। और उसके बाद देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट का ट्रेंड कहाँ ऊपर चलती चली जा रही है। अगर आप उनकी बैटिंग लाइनअप की बात करें, फ़खर जमां बहुत बढ़िया लय में, उन्होंने अभी हाल ही में विवियन रिचर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। इमामुल हक जो कि यंगस्टर हैं जिनको मौका दिया गया, वो काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। बॉलिंग लाइनअप हमें पता ही है पाकिस्तान का। सो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है, और फिर जब इतनी देर बाद हो तो उसका रोमांच और बढ़ जाता है। मनीष सर, अगर मैं चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले की बात करूं, इंडिया ने लीग मुकाबले में पाकिस्तान को हराया था, एज ए फेवरेट्स गए थे लॉर्ड्स में, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं भारतीय फैंस के जहन में वो कसक रहेगी कि फाइनल मुकाबले में हारे, और हारे किससे? पाकिस्तान से। तो अब हराना है उनको। देखिए ये कसक तो हमेशा रहेगी, अगर पाकिस्तान हारती है तो उनके फैंस के जहन में रहता है, इंडिया की टीम हारती है तो उनके फैंस के जहन में रहता है। लेकिन अगर पिछले 5-6, 7-8 साल का आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए तो कंसिस्टेंसी लेवल और सक्सेस लेवल मुझे लगता है इंडिया की हायर है। ऐसे में प्रेशर फिर भी इंडिया के ऊपर ज्यादा रहने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जिसका इंतजार पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को होता है, और इस बार भारत और पाकिस्तान भिड़ने वाले हैं एशिया कप में 19 सितंबर। It's hard.